यह तस्वीर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को रिप्रेजेंट करते हुए कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है और इसमें आग जलते हुए दिखाया गया है। See, the trouble is that RSS and the BJP is not used to aggressive responses from the Congress. When the Congress gives an aggressive response, मगर किस प्रकार से लोग वायलेंट हो, किस प्रकार से आगजनी हो, किस प्रकार से हत्याएं हो, उसके लिए लोगों को उकसाने का काम आज गांधी परिवार और गांधी परिवार के कहरे पर कांग्रेस पार्टी ने किया है। अगर वो आक्रामक होंगे, हम डबल आक्रामक होंगे, ये समझ लेना चाहिए उनको। Latent instigation of violence, Mr. Rahul Gandhi. ये भारत जोड़ो है, ये आग लगाओ यात्रा है। एक हिसाब से मुझे लग रहा है कि पार्टी करने सब लोग जा रहे हैं। तो कांग्रेस ने हाफ पैंट में क्यों लगाई आग? नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। दो खास मेहमान होंगे मेरे साथ, प्रदीप भटनागर होंगे बीजेपी की तरफ से, सुधा मिश्रा होंगी कांग्रेस की तरफ से। एक तरफ से वार हो रहा है, दूसरी तरफ से पलटवार हो रहा है। दोनों मेहमान कुछ ही देर में आपके सामने आपकी स्क्रीन पर होंगे, लेकिन पहले बात होगी खाकी की निक्कर की। खाकी की निक्कर में आग लगती है और फिर उसके बाद सियासत का धुआं जैसे ही उठता है वैसे ही सियासत के शोले धधकने लगते हैं। पहले टी शर्ट, फिर कंटेनर, उसके बाद पादरी से मुलाकात और अब खाकी निक्कर पर सियासी वार पलटवार। जैसे जैसे राहुल की भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ रही है वैसे वैसे सियासी बवाल बढ़ता जा रहा है। इस बार यह सियासी बवाल उठा है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस ने एक ट्वीट किया, ट्वीट से उसमें देश को नफरत से मुक्त करने और आरएसएस भाजपा ने जो नुकसान किया उसकी भरपाई करने के लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाने का जिक्र किया। अब खाकी निक्कर में लगी आग को लेकर बीजेपी ने भी मोर्चा खोल लिया। बीजेपी ने दावा किया कि यह भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, आग लगाओ यात्रा है, आग लगाओ यात्रा, और इसी को लेकर सियासत भी हो रही है। कैसे वार पलटवार हो रहा है, पहले आपको दिखाते हैं कि बीजेपी के मुख्य प्रवक्ताओं में से एक संबित पात्रा क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे विषय को लेकर, और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ कि आखिरकार यह कौन सी सियासत हो रही है, मुद्दे की बात कहां गुम है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले सुनिए संबित पात्रा ने क्या कुछ कहा जब कांग्रेस ने यह ट्वीट किया, देखिए जरा। यह तस्वीर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को रिप्रेजेंट करते हुए कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है और इसमें आग जलते हुए दिखाया गया है। मगर किस प्रकार से लोग वायलेंट हो, किस प्रकार से आगजनी हो, किस प्रकार से हत्याएं हो, उसके लिए लोगों को उकसाने का काम आज गांधी परिवार और गांधी परिवार के कहरे पर कांग्रेस पार्टी ने किया है। ब्लेटेंट इंस्टिगेशन ऑफ वायलेंस, मिस्टर राहुल गांधी, ये भारत जोड़ो है, ये आग लगाओ यात्रा। तो कह रहे हैं कि कांग्रेस आग लगाओ यात्रा पर निकली हुई है, यह ट्वीट और ट्वीट के बाद खड़े हुए सियासी सवाल, वार और पलटवार कांग्रेस अब निशाने पर ले रही है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये सियासत में आग लगा कौन रहा है, सियासत में आग लगा कौन रहा है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। दोनों मेहमान आपके सामने आपकी स्क्रीन पर होंगे, एक तरफ प्रदीप भटनागर होंगे जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे और साथ ही साथ सुधा मिश्रा होंगी जो इस पूरे विषय को लेकर अपनी बात को रखेंगी। लेकिन मुद्दा क्या है, किन मुद्दों के आधार पर सियासत हो रही है, क्यों वार पलटवार हो रहा है और क्यों सियासी तीर छोड़े जा रहे हैं, आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। एक बार फिर से हम आपको जो राजनीतिक तूतू मैं चल रही थी कांग्रेस बीजेपी के बीच में, जो हमने आपको पहले दिखाया था, वो एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं कि कैसे वार पलटवार हुआ और फिर उसके बाद अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे। जो सबसे पहले हमने आपको
बयान सुनाए थे वार पलटवार के रूप में। प्लीज प्ले कर दीजिए। यह तस्वीर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को रिप्रेजेंट करते हुए कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है और इसमें आग जलते हुए दिखाया गया है। See, the trouble is the RSS and the BJP is not used to aggressive responses from the Congress. When the Congress gives an aggressive response, मगर किस प्रकार से लोग वायलेंट हो, किस प्रकार से आगजनी हो, किस प्रकार से हत्याएं हो, उसके लिए लोगों को उकसाने का काम आज गांधी परिवार और गांधी परिवार के कहने पर कांग्रेस पार्टी ने किया है। अगर वो आक्रामक होंगे, हम डबल आक्रामक होंगे, ये समझ लेना चाहिए उनको। तो चलिए सीधा रुक कर रहे हैं, तकनीकी दिक्कत की वजह से प्रदीप भटनागर जी कहीं चले गए थे, उस वजह से हमने आपको स्क्रीन पर लेकर नहीं आ पाए, लेकिन अब स्क्रीन पर होंगे आपके सामने दो मेहमान, प्रदीप भटनागर जी और सुधा मिश्रा जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत सुधा जी आपके साथ करना चाहूंगा। सुधा जी, ये कांग्रेस ने हाफ पैंट में आग क्यों लगाई, जरा समझाएंगे। तिलक जी नमस्कार। आग किसी ने लगाई नहीं, एक्चुअली दिक्कत क्या बात है ना कि ये लोग जो करते आए हैं, जवाब मिल गया तो इनको बहुत दिक्कत है, तो आग तो लगनी ही थी क्योंकि अभ्यस्त नहीं है इस चीज के। जिसने आग लगाई है और देश की स्वतंत्रता से लेके आज तक नफरत को आरएसएस और उसकी राजनीतिक दल के द्वारा कैसे आगजनी की गई है 2002 से लेके, आप बहुत से उदाहरण पास पड़े हुए हैं, तो जाहिर सी बात है जो वो करते हैं अगर किसी ने उदाहरण अपने आपने 2002 के ही पढ़े हैं या 84 वाले भी पढ़े हुए हैं। बिल्कुल मैंने कहा ना कि जो ये करने की चाहत करते हैं और जो करना चाहते हैं, जो करते हुए आए हैं, क्योंकि इनका बाकी देश के स्वतंत्रता में लेना देना तो कुछ रहा नहीं है, इनका सिर्फ और सिर्फ देश में धर्म के नाम पे बंटवारा, लोगों में फर्जी राष्ट्रवाद के नाम से जो आग लगाने का काम था, अब चूंकि वो आग की धाक, भाई अगर निक्कर पे देख, अगर आपने देखा कि सिंबॉलिक कुछ दिया गया, तो 11 सितंबर को अगर आपकी स्मृति ईरानी जी पूछती है कि कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं मैं कि कन्याकुमारी से निकलते हुए वहां पे क्यों नहीं गए, अरे झूठ परोसने वाले लोग, सच बात पे तो आग लगनी है मन में उनके, धुआं तो उठना है। और अब ये शुरुआत है जो राजनीतिक मुद्दों पे न होके अब उनके टी शर्ट पे, उनके जूतों पे और उनके दिन पे कहां कहां जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। अच्छा, तो कुल मिलाकर सुधा जी जितना मैं समझ पाया एक मिनट आपकी बातों से, आप लोग टी शर्ट, पादरी और जूतों को लेकर जो सवाल खड़े हुए उस पर बवाल खड़ा कर रहे हैं, है ना, उसका बदला ले रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। नहीं तो आपको ऐसा लग रहा है कि बदला ले रहे हैं, इन्होंने टी-शर्ट की बात की, जूतों की बात की, तो हमने निक्कर की बात कर दी। नहीं रहा है जिन्होंने, तिलक जी कम से कम कुछ आप जैसे लोग पत्रकार हैं जो उस यात्रा को दिखा रहे हैं, मैं उनको साधुवाद दे रही हूँ, लेकिन ये लोग तो पूरी तरह से उस यात्रा को किस जगह पे लाके छोड़ना चाहते हैं, ये इनकी मानसिकता आप देख रहे हैं कि जनता को बताना कुछ और है, बता कुछ और रहे हैं, मतलब प्रोपोगेंडा के नाम पे जनता को बता रहे थे कि नहीं राहुल गांधी वहां गए ही नहीं। वो तो अच्छा हुआ कि ANI का न्यूज था कि वो गए थे वहां पे, उन्होंने मल्यार्पण भी किया, पुष्प भी दिया, परिक्रमा भी किया, वो ANI का न्यूज था, हमारे वो टी शर्ट की बात करते हैं, जूतों की बात करते हैं, तो आप निक्कर की बात करते हैं, मुद्दों की बात तो हो ही नहीं रही, वाले लोग मुद्दों की बात तो हो ही नहीं रही ना सुधा जी, मुद्दों की बात कहां हो रही है। नहीं, मुद्दों की बात तो हम कर रहे हैं, हम मुद्दों की बात कर रहे हैं, ये मुद्दों से भटकाने वाले लोग जनता को भरमाने का काम कर रहे हैं। मैं प्रदीप जी के पास जाऊं, मेरे एक सवाल का उत्तर दीजिए, फिर मैं प्रदीप जी के पास जा रहा हूं, मेरे एक सवाल का उत्तर दीजिए कि क्या ये सच नहीं है जिस केरल में आप यात्रा निकाल रहे हैं, वहां पर आरएसएस के कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर उनकी हत्या की गई है, चुन चुन के हत्या की गई है, ये सत्य है क्या? ये सत्य नहीं है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या ये सत्य नहीं है? नहीं, सत्य है। ये इस तरह से बिल्कुल नहीं, फर्जी राष्ट्रवाद के नाम से जनता को बांटने में और झूठे तथ्यों को देने वाले लोग जो सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाने का काम करते हैं, ये जानबूझ के लोगों के मन में पूरे पूरे अंग्रेजों ने हमें सताया था, उस इतिहास को खत्म करके ये बताते हैं हिंदू मुस्लिम करते हैं। आप भी जानते हैं तिलक जी, ये पूरे पूरे उस 200-300 साल के जो शासन अंग्रेजों का था उस पर कोई बात नहीं करते हैं, ये बैठ के कहते हैं कि राजपथ को कर्तव्य पथ कर दो, लेकिन उसी महारानी के
खत्म होने पे हमारा राष्ट्रध्वज झुकता है, तब शर्म नहीं आती है। ठीक, यानी आप ये कह रहे हैं कि भैया हमने तो बदला ले लिया, पहले इन्होंने टी शर्ट की बात की, जूतों की बात की, और हमने जो है बात करनी निकल की। नहीं नहीं तिलक जी, ये बदले की राजनीति नहीं है, बदले की बात ना उनके अंदर है। एक मिनट, जनता से जुड़ने की बात कर रहे हैं, ये लोग बरगलाने की बात कर रहे हैं। एक मिनट प्रदीप जी, ये ट्वीट तो आपने भी देखा होगा, वो निक्कर जलते हुए जो ट्वीट किया कांग्रेस ने, जिसके बाद ये पूरा का पूरा विवाद खड़ा हुआ, वो देखा सर या मैं दिखाऊं आप? हाँ आप दिखा भी रहे हैं, हाँ ये निक्कर वाला, बिल्कुल सही सर, ये निक्कर वाला ट्वीट। कांग्रेस ये कह रही है कि ये ना तो भाजपा का चुनाव चिन्ह है और ना ही कोई सरकारी निशान है, इसमें भाजपा को आपत्ति क्या इस फोटो से? शायद निकर देखा नहीं ध्यान से आपने लगता है। उत्तेजित क्यों हो रहे हैं आप? आपने निकर नहीं आपने शायद निकर देखा नहीं आपने, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखा आपने? जी खाकी निकर। और कुछ देखिए ध्यान से, और कुछ देखिए ध्यान से, और देखिए दिखा कुछ आपको? जी जी खाकी निकर है जी। क्या दिखा निकर के अलावा क्या दिखा और आपको बता दीजिए सर, मैं ध्यान से जितना देख पाया। ये बेल्ट, ये बेल्ट 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 जी बेल्ट, जो कि केवल राज्य स्वयं सेवा संघ के जो स्वयं सेवक है वो ही लगाते, और जगह आपको मजार पे मिलेगी भी नहीं, रोड पे कहीं मिलेगी भी नहीं आपको। पहली चीज तो ये दर्शाता है कि इन्होंने संघ को टारगेट बनाया है इन्होंने बोलने के लिए। अब मैं थोड़ा सा देखिए, मैं तो पूछना चाहूंगा, आप देश जोड़ो अभियान आपने आंदोलन छेड़ा है, अभियान चलाया है, चले अच्छी बात है, आप देश जोड़ो, पहले तो देश टूटा कब था, चले ये भी छोड़ दीजिए, थोड़ा सा यही बता दीजिए जिसने देश जोड़ा उसकी फोटो कहाँ है? हाँ भी हंसेंगे आप, चिंता मत कीजिए हंसेंगे अभी आप, जिसने देश को जोड़ा और उस शख्स की फोटो कहाँ है आप बता दीजिए। क्या आपने उसका नाम लिया? आप देश जोड़ो अभियान चला रहे, क्या आपको सरदार पटेल की प्रतिमा याद आती है? अहमदाबाद से शुरू करते हैं आपने कहा सॉरी अपने आपको झूठे मक्कार आप लोग हैं, मैं नहीं हूँ। एक मिनट सुनिए सुधा जी, एक मिनट प्लीज सुनिए प्रदीप जी, एक सेकंड प्रदीप जी, एक सेकंड प्रदीप जी, एक सेकंड मैं झूठा मक्कार हूँ, सुनिए झूठे मक्कार ही सुन लीजिए आप प्रदीप जी, एक मिनट प्रदीप जी प्लीज एक मिनट सुधा जी एक मिनट सुधा जी प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, एक मिनट प्रदीप जी प्रदीप जी मैं करेक्ट कर देता हूँ, एक प्रदीप जी एक मिनट प्लीज प्रदीप जी एक मिनट सुधा जी, आप देख रहे होंगे आप दोनों स्क्रीन पर हैं। जब वो आपके बीच में नहीं बोले तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप भी बीच में नहीं बोलेंगे, आप बहुत काबिल प्रवक्ता हैं, अपनी बारी में बोलिएगा, मैंने तभी ये दो मेहमानों को, वो छिलपों वाली कहानी नहीं है। प्रदीप जी अपनी बात रख ले, उन्होंने आपके बीच में नहीं बोला, आपको जो दिक्कत होगी आप अपनी बात रखिएगा, आपको जो ऑब्जेक्शन होगा मैं आपको भी पूरा वक्त दूंगा, मैंने आपको पहले पूरा वक्त दिया है, और सुधा जी प्लीज उम्मीद करूंगा कि आप बीच में नहीं बोलेंगी, प्रदीप जी आप अपनी बात पूरी करिए। आदरणीय तिलक जी, मैं थोड़ा तथ्यों पे व्यक्तिगत, पहले चीज तो मैं ना तो किसी को बोल रहा था ना मैं बोलना चाहता हूँ, मेरी वक्तव्य पूरा हो जाए, अगर मैं कोई गलत बोलूं तो आप मुझको मुझे बोले। देखिए मैंने बात करी आपसे, मैंने आपने बिल्कुल भारत जोड़ो अभियान आपने चलाया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, कम से कम आपको इस लंबे वर्ष के बाद आपको कम से कम भारत वर्ष की याद आई, अच्छी बात। क्या उस भारत वर्ष को जोड़ने में जिसका सबसे बड़ा हाथ रहा वो शख्स की फोटो कहाँ चली गई? उस आदमी के प्रतीक चिन्ह कहाँ चला गया? क्या कांग्रेस के वो कार्यकर्ता नहीं थे? कांग्रेस के मंत्री नहीं थे? क्या आंदोलन में नहीं थे? चलिए ठीक है, आपने तो साफ कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी का तो भारत की आजादी में नाम और निशान ही नहीं था, वो तो वाकई में नहीं था, मगर भारतीय जनता पार्टी को बनाने वाले पता है वो आपको, वो भी आंदोलन में थे, कांग्रेस में थे, ये चीजें पता होनी चाहिए। मैं जो खुद बैठा हूं प्रदीप भटनागर, मेरे फादर खुद स्वतंत्रता सेनानी थे और सुभाष चंद्र जी के साथ खुद युद्ध में लड़ चुके हैं, उनकी फौज के अंदर खुद सिपाही की तरह। आप पूछते हैं कि आपका योगदान क्या रहा, कहां चले गया सरदार पटेल साहब, क्या निकालते आप? और देखिए पटेल साहब एक सॉरी तिलक जी, एक चीज को नोटिस आपने नहीं करा, यात्रा कहां से शुरू हुई? केरल से, और कहां से हुई? वायनाड से। और वायनाड का इतिहास तो शायद पता होगा, 1945 में क्या हुआ था उससे पहले। देखिए ये लोग कैसे दाग देते हैं, ये लोग कैसे जख्म को कुरेदते हैं, ये वो उनमें से लोग हैं, ये वही वायनाड है जहां हजारों हिंदुओं काट दिया गया था। तिलक जी मैं रोकना चाहूंगी, एक मिनट सुधा जी प्लीज, सुधा जी प्लीज ऐसे नहीं होगा, ना प्लीज, अगर वो आपके बीच में बोले होते तो मैं प्लीज आपको मैं पूरा वक्त दूंगा, प्लीज ऐसे नहीं
प्रदीप जी पूरी बात करिए अपनी जल्दी से जी। तो थोड़ा सा ये जो इतिहास को कुरेदते हैं ना ये लोग, जो जो हिंदू को तो क्रोध कुरेदते हैं ना, ये अभी आपने केरल के विषय में बोला आपने कि कैसे संघ के कार्यकर्ता को मारा और किस तरह निर्मम हत्या रोड पे की गई, उसके विषय में इनपे कोई बिंदु नहीं है क्योंकि वो इंसान नहीं थे, वो बीजेपी आरएसएस के लोग थे, वो इंसान थोड़ा थे वो तो अंतरिक्ष से आए हुए लोग गिरे हुए थे, वो तो इनकी सोच को देखिए थोड़ा। आपको ये भी याद करना चाहिए कि जो आपके पूर्वज थे ना जवाहरलाल नेहरू जैसे, उन्होंने भी 26 जनवरी की परेड में संघ को हिस्सा दिया था कि आप भी परेड में सम्मिलित होइए। ठीक ठीक, एक मिनट प्रदीप जी एक मिनट, आप भी तो प्रतीकात्मक रूप से पुतला जलाते हैं ना, तो वो भी तो एक सांकेतिक रूप होता है, तो फिर इस बात को लेकर कि इन्होंने निक्कर में आग लगा दी तो आप नाराज हो गए? गरम नहीं नहीं नहीं, निक्कर देखिए, निक्कर में आप निक्कर के वधे का, निक्कर का इतिहास अगर आप जानना चाहें तो शायद इनको, ये लोग बड़े कच्चे दिमाग के हैं, बड़ा जल्दी इतिहास भूल जाते हैं, तो शायद इन्हें ये नहीं पता कि भारत की फौज और भारत की पुलिस भी पहले निक्कर ही पहनती थी। पता नहीं ये लोग क्यों भूल जाते हैं, इनको यही नहीं पता। और संघ का जो निक्कर है, और निक्कर ही हमारी पहचान है, हम क्यों छोड़ दें, जैसे हैं अच्छे हैं बुरे, हम राष्ट्र स्वयं सेवा संघ के कार्यकर्ता हैं और रहेंगे। ठीक, हमें कोई जरा सा परहेज नहीं है बोलने में। सुधा जी ये बार बार इस तरह के बयान सामने आना, क्या सवाल नहीं खड़े करता कि भाई जो मुद्दे, जिन अहम मुद्दों को लेकर आप लोग कहते थे कि नहीं हम तो भाई सरकार से जवाब मांगने निकले हैं, भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, आपकी ये यात्रा विवादों की यात्रा बनती हुई दिखाई दे रही है, और जानबूझ के आप विवाद इस तरह से पैदा कर रहे हैं, और उसके बाद आप कह रहे कि देखिए बीजेपी बौखला गई। नहीं, विवाद पैदा कौन कर रहा है तिलक जी, इसका उत्तर आपके पास बहुत बखूबी होगा कि इन 5 दिनों में विवादों को किस तरह से मुद्दों से भटका के लोगों में गलत गलत सूचनाओं को प्रेषित करने का कार्य कौन कर रहा है, इसका जवाब मुझे देने की जरूरत नहीं है। अभी आपके साथ बैठे हुए भाई बोल रहे हैं हमारे प्रवक्ता भाजपा के कि केरल से यात्रा शुरू हुई है, केरल यात्रा कल पहुंची है, मतलब इस तरह से जनता को बरगलाने का आप कैसे कर सकते हो? आपने लाके फिर हिंदू मुस्लिम कर दिया, यात्रा कहां से शुरू हुई है? आज आप मंच पर बैठ के फिर झूठ बोल रहे हैं, और आपको झूठ बोलने में जरा भी हिचक नहीं होती है कि जो यात्रा कल पहुंची है केरल, उसको आप 4 दिन पहले कह रहे हो कि शुरुआत कहां से हुई। आप वायनाड की बात कर देते हो, आप केरल की बात कर देते हो, आप पीछे सब कुछ छोड़ देते हो। क्यों इतना झूठ बोलते हैं आप लोग, क्यों जनता को भरमाने की तो फिर एक सवाल का जवाब देंगे सुधा जी बैठते हैं? सुधा जी एक सवाल का जवाब, गुस्सा मत होइएगा, एक सवाल पूछूं आपसे, गुस्सा तो नहीं होंगी ना जी? बिल्कुल ना बिल्कुल ना। राहुल गांधी अमेठी क्यों नहीं जा रहे यात्रा में? यात्रा में जो आपको दिया गया है कि पूरा हम कन्याकुमारी से लेके कश्मीर जा रहे हैं, नहीं तो उत्तर प्रदेश कश्मीर से अमेठी कोई विदेश में नहीं है ना तिलक जी? तिलक अमेठी विदेश में नहीं है ना? हम नहीं, अमेठी तो यूपी में ही है ना, इसी अमेठी से चुनाव जीता राहुल गांधी ने, जब अमेठी क्यों नहीं जा रहे हमें? हमने नहीं नहीं देखिए तिलक, राहुल गांधी अमेठी कब आएंगे वो बात अलग है, लेकिन जो यात्रा शुरू हुई थी वो भारत जोड़ने का जो कॉन्सेप्ट था, तो अमेठी के लोग भारत जोड़ो यात्रा में नहीं आते क्या? कश्मीर तक, और वहां पे उत्तर प्रदेश का जो शहर मिलता है वहां से होके वो गुजर रहे हैं। मैडम अनायास के प्रश्न पैदा करना, नहीं नहीं मैं उसका उत्तर दे रही हूँ। क्या वो एक घंटे के लिए भी अमेठी जाएंगे? हंसी, क्या वो एक घंटे के लिए भी अमेठी जाएंगे? राजनीति का कितना निम्न स्तर हो चुका है कि झूठ परोसना, झूठ दिखाना और झूठ। मैडम मैं तो सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ, आप गुस्सा क्यों हो रही हैं? मैंने एक घंटे के लिए भी अमेठी जाएंगे वो? मैं बता रही हूँ कि जो जहाँ से शुरुआत हुई है उस सीधी रेखा में भारत को जोड़ने की, आदमी कैसे चला जाएगा? एक मिनट प्रदीप जी, व्यक्तिगत अगर बात करेंगे कैसे आ जाएगा? नहीं एक मिनट प्रदीप जी प्लीज, किसानों की हत्या करने वाले लोग केंद्रीय मंत्री हो सकते हैं, लेकिन आप लोग इस तरह शब्दों का प्रयोग करते हैं, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। एक सवाल का जवाब और सुधा जी चलिए ठीक है, अमेठी नहीं जा रहे वो, अमेठी क्यों नहीं आ रहे वो भी आप लोगों ने रूट तय किया होगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, एक घंटे के लिए भी नहीं आएंगे, मुझे जहां तक ज्ञान है शायद सहारनपुर जाएंगे लेकिन अमेठी नहीं जाएंगे उत्तर प्रदेश में, लेकिन खैर छोड़िए, ये गुजरात में भी नहीं जा रहे क्यों? वहां तो चुनाव है। शायद तिलक जी आपके पास पूरी मैप हो गया, जो मैप बनाया गया है जहां से जो जोड़ना था सीधी रेखा में जो बनाया गया था आपके पास होगा, वहां पे ये क्यों वाला प्रश्न सिर्फ अनायास लाके उसके बारे में अनर्गल बातों को प्रसारित करना है, न कि उस उद्देश्य को खत्म करने की बात करना है। अगर सच में जो रूट मैप तैयार हुआ था उसकी बात की जाए तो कन्याकुमारी से कश्मीर की जो बात हुई सीधी रेखा में बात हुई थी, तो वहां पे कहां पे क्यों और क्यों नहीं ये जवाब नहीं आते हैं, क्योंकि जहां से जो चीज छू रहा था वहां से हम आगे बढ़ रहे थे, सीधी रेखा की बात हुई थी कि हम यहां से शुरू करेंगे यहां तक जाएंगे, इसका उद्देश्य एक छोर से रेखाएं सीधी खींची जाती हैं, रेखाएं सीधी खींची जाती हैं, अच्छी बात है। एक मिनट ठीक है, वो आप लोगों का व्यक्तिगत फैसला है कि भाई आपने कहां से
गाड़ी को कहां मोड़ना है, फाइव स्टार कंटेनर को आपने कहां मोड़ना है, वो आप लोगों का व्यक्तिगत फैसला है, ये मेरा फैसला नहीं है। ठीक, मैं मान गया आपकी बात। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप प्रदीप जी के बीच में मत बोलिएगा, क्योंकि प्रदीप जी आपके बीच में नहीं बोल रहे, वो भी संयम के साथ सुन रहे हैं। प्रदीप जी, बस मैं ये चाहूंगी आपसे तिलक जी, की ये जो झूठी बात फैलाते हैं, इन्होंने जो केरल का नाम लेके झूठी बात यहाँ पे रखी, उसको सही कर दे, उसको आप ही सही कर दे। ओके 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 प्रदीप जी, ये निक्कर को लेकर इतना बवाल हो गया, निक्कर को लेकर राहुल गांधी की ने जो यात्रा निकाली, उसके बाद एक के बाद एक विवाद खड़ा हो रहा है, लेकिन इस बार निक्कर को लेकर विवाद, मुझे कुछ याद आ गया, मुझे कुछ याद आया, देश के प्रधानमंत्री का एक बयान याद आया, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं निक्कर को ऐसे क्यों दिखाया, निक्कर में आग क्यों लगी हुई है, 7 नवंबर 2013 का एक बयान है, और उसमें देश के प्रधानमंत्री तब उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था जिसको लेकर आज भी बवाल होता है। अगर निक्कर में आग दिखाना गलत है तो शायद वो बयान उचित है या नहीं या अनुचित है, उसका उत्तर आप स्वयं दे सकते हैं बयान को सुनने के बाद, और इस बयान को देश को शायद सुनेंगे तो पूरे देश को याद आ जाएगा। वो बयान 2013 का बयान है, जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के और देश के प्रधानमंत्री बनने वाले थे। क्या कहा था कांग्रेस के बारे में देश के प्रधानमंत्री ने, प्लीज प्ले करिए। बहनों, आपको पता है जब छत्तीसगढ़ का जन्म हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ बनाया, तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ किसके हाथ में गया था? क्या ऐसा खूनी पंजाब फिर से चाहिए आपको? क्या ऐसा खूनी पंजाब फिर से चाहिए आपको? शायद ये 7 नवंबर 2013 में चुनाव हो रहा था छत्तीसगढ़ में, तब का ये वाक्या है, और चुनाव आयोग तक मामला गया था, आपने खूनी पंजा कहा था, खूनी पंजा। प्रदीप जी, जी 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 बिल्कुल, अगर वो निक्कर जलाना गलत है तो वो खूनी पंजा सही है? आपका खूनी पंजा कहा तो तथ्यों पे कहा ना, खूनी पंजे ने क्या क्या करिश्माएं करके दिखाए और क्या क्या नहीं करा, क्या हमें क्या उसको भूल जाना चाहिए? जिस खूनी पंजे ने 84 के दंगे कराए हो, जिस खूनी पंजे ने एक हिंदू मुस्लिम कई बार दंगे कराए हो, क्या भूल जाना चाहिए? ये वही खूनी पंजा, क्या गलत थोड़ी ना बोला उन्होंने? और आज मुक्ति पाई ना? नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ, जब वो निक्कर को आप कह रहे हैं कि वो निक्कर को जलाते हुए दिखाना गलत था, तो खूनी पंजा बताना सही था, उचित था? नहीं नहीं, देखिए खूनी, देखिए जलाना और जला के आपने क्या स्टेटमेंट देना कि भारत को तोड़ने में संघ और बीजेपी का बहुत बड़ा हाथ है, आप क्या कह रहे हैं? आप थोड़ा बता दीजिए कौन सा राज्य अलग कर दिया और कौन सा नया राज्य बना दिया और कौन से देश के दो पार्ट कर दिए? दो पार्ट तो आप लोग कराना चाहते थे, इधर पंजाब को भी और इधर लिट्टे से मिलके आप साउथ को भी। तो यानी खूनी पंजा जायज है, ये खूनी पंजा जायज है, निक्कर को जलाना जायज नहीं है, अगर प्रतीकात्मक रूप से भी देखा जाए? नहीं नहीं, आप देखिए जलाना और एक देखिए, आपने शायद प्रतिक्रिया इनकी देखी नहीं, जो इन्होंने आग धुआं जो उड़ते दिखाया, इनका कहने का तात्पर्य ये है कि जो हिंदुस्तान की जो अराजकता फैला रखी है वो संघ और भाजपा ने फैला रखी है, इनकी जो मंशा कहने की ये है, जो दिखाना चाहते हैं। नहीं, थोड़ा सा इन्हें चीजें बतानी चाहिए, फिर आप कह रहे जिन्होंने देश को जोड़ा उनकी तस्वीरें भी नहीं है। क्यों इंदिरा जी की हत्या हो गई? कहता ना, क्यों इन्होंने क्या नाम लिट्टे को तैयार करा जो राजीव जी की हत्या हो गई, जिन्हें ये बलिदानी और शहीदी दुनिया भर के नाम देते हैं। राजीव जी का इतिहास बता देता हूं आपको मैं, जिस समय युद्ध हुआ था, जब जब भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था, उसमें ये एयरफोर्स में थे, जब पायलट की जरूरत थी तो छुट्टी में भेज दिया गया था इनको, ये इतने वफादार हैं देश के ये लोग। तो ये कहां से आए भरते यहाँ पे देश की आजादी में? इतिहास आपने कहां से पढ़ा? देश की आजादी में उतना काम किया। जवाहरलाल नेहरू जब जेल से निकलते तो नए कपड़ों में निकलते थे, एक निशान भी नहीं होता था, ना डंडे का और ना कपड़ों पे कालेपन का। ये तो इन्होंने देश की आजादी के लिए काम किया है, और उन देश के जो आजाद थे जिन्होंने बलिदान दिया, जिन्होंने अपने को फांसी पे हंसते हंसते लटका दिया, उनके नाम कोई नहीं लेता है जी। मैं तो फिर कह रहा हूँ, तभी तो बिल्कुल सही कहा आपने कि आप
आप बड़ी अच्छी बात कह रहे तिलक जी, आपने कही कि आपको बिल्कुल सही कहा आपने, तभी तो भगत सिंह के नाम पर कोई चौक चौराहे स्कूल इमारतें कर्तव्य पथ नहीं बनते भगत सिंह के नाम पर, बिल्कुल सही कहा आपने। नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, एक मिनट आप अपनी बात रखिए, आप सुधा जी अपनी बात रखिए, फिर उसके बाद आ रहा हूँ। आपने कहा तिलक जी कि अभी आप अमेठी नहीं जा रहे, अरे चलिए बच जाइए कम से कम। जिसने एक देश को एक माला में मोती की तरह पहराया धागे में, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कम से कम वहां के उनके स्टेचू तक या उनके गृह क्षेत्र से तो होके निकल जाइए। आपकी यात्रा थोड़ा ना, ये सर ये आप थोड़ा डिसाइड करेंगे किस किस यात्रा रूट पे, उनको जाने दीजिए जिस रूट पे जा रहे हैं। ओके जल्दी से सुधा जी, फिर उसके बाद आ रहा हूं प्रदीप जी। नकली यात्रा क्यों चल रही है? ओके ओके जवाब दीजिए सुधा जी, हाँ जी। अब आप देखिए ये जो आपका धुआं है कहाँ कहाँ से निकल रहा है, 5 दिन में ये हालत है, सोचिए 150 दिन में क्या हालत होने वाली है देश में। झूठी झूठी बातों के द्वारा लोगों को, इन्होंने जो नामों के साथ जिन जिन शब्दों का प्रयोग किया, सोचिए जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए कई कई वर्ष, कई कई दशक जिन्होंने जेल में बिताई, उनके बारे में जो इनके राय और जो इनकी बातें हैं, हम जब भी पढ़ते हैं नेहरू, गांधी और पटेल जी की जो 3 लोगों का साथ था जिसने इस देश को बनाने में अपना योगदान दिया, और आज भी हमने इतिहास में यही पढ़ा कि इन 3 लोगों ने मिलकर हमारे देश की अखंडता को बचाए रखा, और ये लोग उस इतिहास को बदलने में किस कदर उतारू हैं, ये लोग कैसे लोगों को, सुभाष चंद्र बोस की बात हो या फिर पटेल जी की बात हो, ये लोग किस तरह से जनता के बीच में, हम बचपन में पढ़ते थे तो इतिहास में नामों के साथ कभी अलगाव नहीं हुआ था, और ये लोग धन्ना सेठ कैसे बन गए बता दीजिए ना। अरे हमारे प्रधानमंत्री जी रोटी खाने के पैसे नहीं होते थे, चाय बेचते थे, कैसे कैसे पैसे वाले हो गए जवाहरलाल नेहरू, कैसे पैसे वाले हो गए मोतीलाल नेहरू, पैसे वाले कैसे बन गए बता दीजिए ना। तिलक जी बताइए इनको, आप बताइए चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री कभी सुना है आपने, कभी आपने पूछा है कभी गांधी परिवार से? एक मिनट जय शाह नाम का एक व्यक्ति अचानक गांधी परिवार ने, सिर्फ मेरे पास 5 मिनट बचे हैं, एक मिनट प्लीज सुधा जी एक मिनट, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, 5000 करोड़ का जवाब तो देना पड़ेगा, एक एक परिवार को हथकड़ी लगा के 5000 का जवाब तो देना पड़ेगा। अच्छा ओके ओके एक मिनट सुधा जी, एक मिनट 5000 करोड़ का जवाब तो बताना पड़ेगा, शर्म आनी चाहिए आप लोग। सुधा जी एक मिनट बताना पड़ेगा कहाँ है। प्रदीप जी इस तरह से सुधा जी, इस तरह से व्यक्तिगत आक्षेप नहीं बर्दाश्त करूंगा। एक मिनट प्लीज मैं मुद्दे पर ही आ रहा हूं प्लीज। प्रदीप जी, जब से यात्रा शुरू हुई कभी जूतों पर सवाल राहुल गांधी के, कभी टी शर्ट पर बवाल, कभी पादरी से मुलाकात, और अब इन 3 विवाद के बाद कंटेनर के साथ साथ एक नया विवाद, आप कह रहे हो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। उदाहरण के तौर पर मैं एक उदाहरण रखता हूं आपके सामने, हमारे देश की सबसे काबिल मंत्रियों में से एक, केंद्रीय मंत्रियों में से एक, सबसे काबिल केंद्रीय मंत्रियों में से एक स्मृति ईरानी जी कहती हैं कि राहुल गांधी कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद मेमोरियल क्यों नहीं गए। और फिर उसके बाद क्या होता है वो तो आपके सामने है ही, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। 7 सितंबर को राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने से पहले कहां थे, वो सवाल स्मृति ईरानी जी ने पूछा, प्लीज प्ले करिए। आज मैं पूछना चाहती हूं कांग्रेस पार्टी से, आप कहते हैं आप यात्रा कर रहे हैं भारत को जोड़ने की, अरे अगर कन्याकुमारी से चले तो कम से कम इतनी निर्लज्जता तो ना दिखाते, स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम कर तो बताते, लेकिन वो भी राहुल गांधी को स्वीकार। 7 तारीख को राहुल गांधी जी 3 बजे तो वहीं थे, शायद इसी स्मारक पे थे जिस स्मारक का जिक्र स्मृति ईरानी जी कर रही हैं, कन्याकुमारी के स्वामी विवेकानंद मेमोरियल में ही 7 तारीख को 3 बजे के आसपास वहीं थे। आप कह रहे हो आप सीरियस नहीं ले रहे राहुल गांधी को, स्मृति ईरानी जी ने आप तो पल पल नोट कर रहे हो कि राहुल गांधी कहां जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कब मिल रहे हैं, कितने बजे मिल रहे हैं, कहां माथा टेका और कहां चर्च गए, सब कुछ नोट कर रहे हैं। हम एक देखिए कांग्रेस के प्रतिद्वंदी हैं और एक एक मोमेंट पे एक एक चीज पे हर पार्टी निगाह रखते हैं, हम भी निगाह रख रहे हैं, क्यों ना बताएं देश को कि भैया तले जरे की टी शर्ट पहन रखी है एसी वाली, वो आदमी जो चांदी की गिलास, चांदी के कटोरी में और चांदी और सोने की चम्मच से दूध पीना सीखा हो, उसे आदमी को किसान के बारे में क्या पता होगा,
जो आदमी आटे को लीटर में बेच रहा हो और प्रवक्ता उनके अंडे को उनको लीटर में बेच रहे नहीं, हो वो तो जुबान को सबकी निसलती है ना। प्रधानमंत्री का सपने देख रहे हैं तो देश की तो बड़ा दुर्भाग्य है ना। तो ये फिर स्मृति ईरानी जी ने ऐसा क्यों कहा? देश में नहीं नहीं मैं समझना चाह रहा हूँ। देखिए सोच देखिए जो पार्लियामेंट में खड़े होकर बोल चुके हाँ मैं हूँ, उस आदमी की सोच क्या है कि जहाँ टमाटर उठे खेत में हम उस खेत में सॉस की फैक्ट्री लगा देंगे, जिस खेत में आलू उगेंगे उसमें हम फैक्ट्री लगा देंगे चिप्स बनाने की, चिप्स निकलेंगे इधर से पैसा निकलेगा। आदमी सोच जिस टाइप की हो तो प्रधानमंत्री लायक आप उसे झूठ देखिए झूठ का पुलिंदा। आप लोग जानते हैं आप लोग आपस में बहस कर रहे हैं, मैं फाइनल कमेंट ले रहा हूँ, मैं फाइनल कमेंट आपके पास आऊंगा। सुधा जी अंडे टमाटर लेके सुधा जी अंडे टमाटर लेके सुधा जी ये बहुत गंभीर विषय है। मैं एक उदाहरण रख रहा हूँ आप लोगों के सामने, फिर मैं इस डिबेट को खत्म करूंगा। एक उदाहरण रख रहा हूँ, आज देश के भीतर एक बहुत बड़ी खबर आई, हमारे देश में इस खबर को लेकर कोई चर्चा नहीं हो रही है। अब पता नहीं होगी या नहीं होगी मैं नहीं जानता, आसार वैसे बेहद बहुत कम है, क्योंकि हमारे देश में मुद्दों पर राजनीति क्यों नहीं हो रही यह सवाल इसलिए है। एक उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं, महंगाई को कंट्रोल करने में एक बहुत बड़ी खबर आई है। मुद्दा टी शर्ट नहीं है, अगर वो टी शर्ट 40,000 की थी तो 10,00,000 का सूट किसी और ने भी पहना होगा, है ना, और 70,000 का मफलर किसी और ने भी पहना होगा। मुद्दा वो है जो बेरोजगारी है, महंगाई है, दवाई पढ़ाई कमाई है। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, महंगाई को कंट्रोल करने में सरकार कितनी कामयाब हुई है वो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन पहले उससे पहले एक बयान सुनना पड़ेगा आपको, देश के प्रधानमंत्री जी का ही बयान है, थोड़ा पुराना बयान है, वो भी सुना देता हूं, प्लीज प्ले करिए। महंगाई कम हुई कम, जरा ये मेरी बंजारा बहने बैठिए बताइए, हुई कम। आप महिलाओं के बीच जाते हो तो इसका तो जवाब दो कि महंगाई क्यों कम नहीं हो रही है। ये बयान प्रदीप जी जानते हैं मैंने क्यों सुनाया? ये खबर अभी बड़े बड़े न्यूज चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज नहीं चल रही होगी मुझे पूरी उम्मीद है। अगस्त में महंगाई दर 7% पार पहुंच गई है, जो कि जुलाई में 6.71% थी। खाद्य महंगाई दर 7.62% पहुंच गई है, 1.5 साल से 6% से ऊपर है। महंगाई कम हुई प्रदीप जी, मुद्दा तो यही है ना जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पूछ रहे थे, महंगाई कम हुई, तो मैं वही पूछ रहा हूं क्या मुद्दा यही है कि नहीं? प्रदीप जी का प्लीज अनम्यूट करिए, प्लीज प्रदीप जी एक मिनट अनम्यूट कर दे। तिलक जी रखिए अपनी बात रखिए प्लीज। देखिए तिलक जी, महंगाई तो बिल्कुल प्रधानमंत्री जी ने कम करी, जो आर्थिक स्थिति आई और उनसे महंगाई बढ़ी, और उनसे भी संघर्ष करने के लिए सरकार और राज्य सरकारों को भी काम किया और करेंगे। आप ये देखिए जो लोग जो भारत जोड़ों में चल रहे हैं वो फंडिंग कहां से आ रही है जहां सरकारें चल रही हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कोरोना से पहले महंगाई जो थी वो काबू में थी, कोरोना से पहले महंगाई नहीं थी। देखिए अमेठी की जनता टमाटर लिए राहुल जी का इंतजार कर रही है कि राहुल जी आए और हम स्वागत करें हमें अंडे और टमाटरों से, कि जो हमें छोड़ के चले गए बेचारे राहुल जी, अब कब आएंगे। तो आप ये उत्तेजित कर रहे हैं वहां की जनता को, अगर आए तो इस तरह से स्वागत करिएगा। हाँ बिल्कुल, जो लायक आदमी हो जिन्होंने वर्षों दर वर्ष जैसे अपने पार्लियामेंट क्षेत्र के, मुझे एक सवाल का उत्तर फिर मैं सुधा जी फाइनल कमेंट आपसे दे रहा हूं, लायक है नहीं? ओके, चाहे सुल्तानपुर की जनता हो चाहे वो अमेठी की जनता हो। प्रदीप जी एक मिनट प्रदीप जी, विषय टमाटर नहीं है भाई, एक मिनट विषय टमाटर नहीं है, टमाटर तो खरीद लेगी जनता लेकिन उसके बाद नौकरी हो। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपने कहा कि 2 करोड़ नौकरी के हिसाब से 8.5 साल में 17 करोड़ के आसपास नौकरी बनती है, 22 करोड़ आवेदन आते हैं मुश्किल से और 7,00,000 लोगों को आप नौकरी दे पाते हैं। ठीक है, हमारे देश में जो वित्त मंत्री हैं वो कहती हैं कि भैया महंगाई को लेकर सवाल में कि मैं लहसुन प्याज नहीं खाती, लेकिन जो खाते हैं उनका तो ख्याल रखिए कि नहीं? महंगाई तो मुद्दा है ना प्रदीप जी, कि नहीं?
मैं ये तभी पूछ रहा हूँ, टमाटर जो आप मुझे दिखा रहे हैं वो जनता खरीद सकती है लेकिन नौकरी हो उसके पास। तिलक जी, जी तिलक जी, मुद्दा तो यही है ना, कौन सी नौकरी दिलवाना, तिलक जी आप कौन सी नौकरी देना चाहते हैं और कौन सी नौकरी दिलवाना चाहते हैं, शायद वो भी स्पष्ट करना चाहिए। चार साल वाली नहीं, अग्निवीर वाली, बहुत चार साल वाली सर, चार हजार वाले भी हो चाहे चार साल वाले हो, जैसी योग्यता वैसी नौकरी मिलती है, चाहे मैं भी क्यों ना हूँ। What do you mean? जैसी मेरी योग्यता होगी मुझे वैसी नौकरी। नहीं नहीं नहीं, अग्निवीर की योग्यता मतलब पैमाना क्या आपका, आप कह रहे जैसी योग्यता होगी वैसी नौकरी होगी। देखिए अग्निवीर की योग्यता की जो आपने बात करी, अग्निवीर की योग्यता किस पैमाने पे रखी गई है कि भारतीय फौज के प्रमुखों ने इस चीज को बाखूबी आपके मीडिया के माध्यम से एक नहीं 10 बार बताया गया है। ठीक, और अग्निवीर का जो अग्निवीर के जो लोग निकले आपके आपके नेता ने भी बताया था, आप ही के नेता विजय वर्गीय ने भी बताया था योग्यता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या भारतीय फौज के निकले हुए रिटायर आज क्या बैंक के बाहर नौकरी नहीं कर रहे गार्ड की, क्या मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर जीएम नहीं है, कर्नल जो है जनरल जीएम, और दुनिया भर के बड़े बड़े अफसर जो है आर्मी के निकले, कितनी बड़ी बड़ी कंपनियों को चला रहे डायरेक्टर तक है, और कुछ फौज के निकले हुए विभिन्न सिक्योरिटी पे फाइनल कमेंट आपका मैं सुधा जी ले रहा हूँ, आप बिल्कुल फाइनल कमेंट संक्षेप में, क्या आप बीजेपी के बुने हुए जाल में फंस रहे हैं या फिर एक बार फिर से जो बीजेपी क्रिएट करना चाहती है राहुल गांधी की पिक्चर वो उसमें कामयाब हो रही है? नहीं बिल्कुल नहीं, आज अगर भाजपा के धुएं उठ रहे हैं दिमागों में पिछले 5 दिन से जो ये एकदम इस तरह से मतिभ्रम हो गया है इनको और मतिभ्रम में सब झूठ ही बोले जा रहे हैं, हम बिल्कुल इनकी राहुल गांधी की दुनिया को ये नहीं पता कि योग्यता के पैमाने क्या है, वो हमें क्या बताएगा? आपने इनसे पूछा कि योग्यता के पैमाने, इनको ये नहीं पता कि हमारे देश में स्नातक पास करने के बाद हम ब्यूरोक्रेट्स बन सकते हैं, तो जो योग्यता के पैमाने नहीं जानता है वो और क्या बताएगा आपको? तो सिर्फ देश को बरगलाना है इनको, इनको बरगलाना है अपनी झूठी बातों से, और कांग्रेस इन बातों को समझ चुकी है। नहीं, जो पार्टी अपना अध्यक्ष नहीं चुन पा रही, नहीं, आप अपना घर नहीं जोड़ पा रहे, दूसरों को कह रहे हो कि हम घर जोड़ देंगे, सबका भारत जोड़ देंगे, आप अपना घर तक तो जोड़ नहीं पा रहे हो। तिलक जी हम अपने घर के साथ इस देश को जो हम इन लोगों ने तोड़ दिया, अलगाव कर दिया, हिंदू मुस्लिम में बांटा हुआ है, ये हमें बता रहे हैं कि मैडम आपके पास फुल टाइमर अध्यक्ष भी नहीं है, फुल टाइमर अध्यक्ष नहीं है आपके पास, पार्ट टाइमर, आपके पास फुल टाइमर अध्यक्ष भी नहीं है और आप भारत जोड़ने चले हो। आप जानते हैं ये भाजपा का जो डर दिख रहा है ना, ये एकता का डर है, इनको लग रहा है कि सब एक हो रहे हैं, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो ये आग स्वयं लगा रहे हैं। और इस मैडम आप अपना घर तो एक कर नहीं पाए, अपना घर तो एक कर नहीं पाए, हम अपना घर एक कर लिए हैं और अब भारत एक करने वाले हैं, इसीलिए जो दिख रहा है ना आपको मतिभ्रम की स्थिति, इसलिए दिख रही है ये मतिभ्रम में आए हुए भाजपा के नेता हैं जो 300 लोगों के तिलक जी 390 विधायक चुनाव लड़ रहे थे बेचारे, जिनकी जमानत जब्त हो गई, उनके बारे में कैसा भारत कहता है? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी आपका भी और सुधा जी आपका भी, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन सवाल यही कि क्या राहुल गांधी की यात्रा को लेकर बीजेपी भयभीत हो गई है या फिर बीजेपी के बने हुए जाल में, बुनाए हुए जाल में कांग्रेस फंस गई है? खैर जो भी हो, लेकिन मुद्दे की बात जरूरी है कि आखिरकार बेरोजगारी, महंगाई, दवाई पढ़ाई कमाई, इन मुद्दों के आधार पर भी चर्चा होगी या सिर्फ सवाल टी शर्ट, जूते और निक्कर का होगा, यह भी अपने आप में सवाल है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। यह तस्वीर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को रिप्रेजेंट करते हुए कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है और इसमें आग जलते हुए दिखाया गया है। See, the trouble is the RSS and the BJP is not used to aggressive responses from the Congress. When the Congress gives an aggressive response, मगर किस प्रकार से लोग वायलेंट हो, किस प्रकार से आगजनी हो, किस प्रकार से हत्याएं हो, उसके लिए लोगों को उकसाने का काम आज गांधी परिवार और गांधी परिवार के कहरे पर कांग्रेस पार्टी ने किया है। अगर वो आक्रामक होंगे, हम डबल आक्रामक होंगे, ये समझ लेना चाहिए उनको।